Hey guys, what's up and welcome back to Go Guzzle Gone. I know मेरा गला इतना ज़्यादा खराब है since the shadi has happened and right now I'm in Delhi. तो धीरे धीरे मैं गले की भी तरावट कर रही हूँ और अपनी भी तरावट कर रही हूँ. But today I am very excited and very happy because I am going back to लखनऊ मेरी जान. और मैं आपको फटाफट एयरपोर्ट पहुँच के मिलती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है. So I'm rushing to the airport. I will catch you up there. In the meanwhile, let's play the trailer. So finally guys, we are almost reaching airport. अरे हाँ, you not said hi ना. हाँ, हम लोग क्योंकि preparation कर रहे थे निकलने के लिए. I know he was actually rushing up and down. I was helping him too, but he was doing the most of the work. So finally we are reaching to our airport. I think you are excited as well to go yes, to Lucknow. Yes, very much. नहीं भी हो तो बोलना पड़ेगा ना. हाँ. Finally, we have arrived at the airport and now we are just aligning the trolleys properly. Are you ready? Let's go to Lucknow. मैंने अपनी सारी ID, YD सब कुछ इसको थमा दिया है because I don't want to be really like, you know, because I'm handling the vlogs as well. तो भाई देख लो यार, left और right एक बार. हम लोग कौन से गेट से आ रहे हैं? फर्स्ट गेट से. जो मिल जाए जो कन्वीनियंट हो. टिपिकल वी आर लाइक, सीरियसली से चल लेते हैं ना. सेकंड पे बहुत लंबी लाइन लग रही है यार. कहीं से कोई भी दूसरा. ही इज़ यूजिंग हिज आधार कार्ड. आई हैव गिवन माय पासपोर्ट बिकॉज मुझे पता नहीं मैंने आधार कहाँ रखा है. अभी फटाफट से जाना है यार. गर्मी बहुत हो रही है तो दिल्ली में यार, बहुत ज़्यादा चिपचिप हो रही है. सो आई हैव जस्ट एंटर्ड नाउ. आई एम लुकिंग एट द स्क्रीन कि कहाँ पे है विस्तारा. शिट यार, मेरे को फ्लाइट नंबर नहीं पता. मेरी फ्लाइट नंबर क्या है? सारा की UK 641. UK 641 अच्छा, वही वाली जिससे तुम आए थे. आया था एक ही फ्लाइट. चश्मा उतारना पड़ेगा. देखा नहीं है, ढूंढना है. एक मिनट, तो स्क्रीन भी चेंज हो रही है. ए हाउ कैन आई फाइंड नंबर? इधर देखो, ये ओह यस ए. लेट्स गो टू ए. फाइनली यहाँ पे चेक इन कर रहे हैं बिकॉज इट बिकम्स मच ईजियर टू वॉक एंड एवरीथिंग. तो चेक इन मेरा बेस्ट प्रोसेस है. एक बार ये खत्म होता है ना, देन यू कैन फ्रीली वॉक, आराम से व्लॉग, नो टेंशन, नो दिक्कत. तो वी हैव सक्सेसफुली चेक्ड इट. इस आदमी को मैंने पूछा बोर्डिंग कार्ड कहाँ है, कह रहा मेरे को देखने दो एक दफ़ा. मिला कि नहीं मिला? क्या है ये, कौन सा मजाक है जिसमें किसी को हंसी नहीं आई है? मुझे आ रही है. हाँ, तुम्हें ही हंसी आती है बस. मुझे हमेशा आती है. हाँ, की बातें करा रहे बस. हाँ, पर ढूंढने की एक्टिंग कर रहा है यार मेरे से. ये हद हो गई. क्या हुआ अभी? इसका पोपट पता नहीं हर जगह कैसे हो जाता है. हमने बैग रखा, मैंने दोनों के बैग रख दिए, तो टोटल बैगेज का अलाउंस था 30. टोटल अलाउंस एक टोटल हमें चेक इन अलाउंस था 40 किलोज. हाँ. इसको लगा कि इसका बैग जो है, इसको लगा इसका बैग है 30 किलो का. हम दोनों का बैग जो है वहाँ पे रखा हुआ था. यार कैसे, इतना मैंने तो कुछ रखा भी नहीं है इसी चक्कर में. बट ये लड़का कह रहा है बेवकूफ़ कहीं की ये तुम्हारा नहीं, हम दोनों का मिला के. फिर मैंने देखा मेरा भी बैग वहाँ पे रखा हुआ था. मेरा बैग अकेले का 30 किलो कैसे? मैंने कहा भैया चलो 10 किलो का एक्सेस बैगेज दो इन लोगों को पहले. तो याद है ना एयर इंडिया में क्या हुआ था बैग्स के साथ? माय गुडनेस, आई होप विस्तारा डजंट डिसअपॉइंट मी. सनी का इतना गंदा चोखा हुआ है. एक्चुअली हम दोनों का बैग है, हमारे साथ हमेशा कुछ ना कुछ होता है. हमारे एक बैग कभी क्लियर ही नहीं होते हैं. अब पता क्या हुआ, रात को मैंने उसके बैग में वो शादी में नहीं सिल्वर के ग्लास वगैरह होते हैं, तो मैंने पाउच में डलवा दिया था बिकॉज वी कैरिंग इट, वी नॉट ऑब्वियसली गोना कैरी टू दोहा. तो इसको पता नहीं है, तो वो कह रहे हैं सीएसएफ इसको, कहते नहीं आपकी बैग में ग्लास है. कह रहे नहीं सर, ग्लास हो ही नहीं सकता. मैंने बोला सनी मैंने रखा है. इसका शक्ल देखी वाज लाइक व्हाट द बेइज्जती हुई है. कांड करवाया मैंने उसके साथ. सो बेसिकली
37B इज आवर गेट राइट, 37B है ना. तो द थिंग इज कि हमें कुछ मिठाई टाइप की लेनी है बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर मैरिज वी आर गोइंग टू लखनऊ, बट घर पे मिठाइयों का जमावट है. सो वी वॉन्ट टू बाई समथिंग एल्स प्रोबेबली. Maybe donuts का आगे है, donuts ले लेते हैं. I think it's a good idea. Donuts लेके चलते हैं. यार पक गया है वैसे भी. कुछ नहीं हो जाए. और पता है, I think सनी, मैंने पहली बार ऐसा हुआ कि यहाँ पे आई हूँ, मुझे कोई भी शॉप में जीरो इंटरेस्ट है. इतने सारे कपड़े ऑलरेडी हैं मेरे पास. I don't want to buy anything for good one year at least. One year I'm not gonna buy anything. Okay, I think over commitment under deliver ना हो जाए, but अभी तो बिल्कुल खरीदने का मन नहीं है. यार हम लोग इसे घर में जा रहे हैं तो हम सोच रहे मिठाई ना लेके हम लोग कुछ डोनट्स टाइप देख लें. और मैडम लाइन में लगी हुई है डोनट्स चूज कर. क्या कर रहे हो तुम? हाँ शूलेस खुल रहा है. कुछ याद आया? हमेशा बोलती है कि मैं हर जाके हर जगह पूरी दुनिया के टॉयलेट देखता हूँ, खुद टॉयलेट में बैठी हुई है इतनी देर से, सुबह फ्रेश हुई नहीं है, अब आके दिमाग खा रही है कि मेरे को जाना ही आ रही है. ये कहाँ से आ रही हो तुम? कहाँ से आ रही हो? हेलो, तुमसे बात कर रहा हूँ, इधर आओ. शक्ल देखो इस लड़की की, गौर से देखो इस चेहरे को. तुम्हारा आधा मास्क ऊपर लगा हुआ है, आधा मास्क नीचे लगा हुआ है. या तो एक अलग कर लो या दो लगाओ मत. सनी इज गोइंग टू ब्रिंग द फेस शील्ड बिकॉज बोर्डिंग शुरू हो चुकी है और मचने वाली है गंदी वाली भसड़. बट हम लोग साई, मेरे बाल को क्या हो गया? मेरे स्ट्रैंड निकल गया, गॉगल से निकल गए. ले आया फाइन, टोपी मिल गई. आई नो, लेट्स वेयर इट एंड प्रोसीड टू आवर फाइनल डेस्टिनेशन. कराई है क्योंकि हम दोनों ही लखनऊ में हैं. आई डोंट नो मैंने ब्लॉग की शुरुआत में बोला है कि नहीं बोला है, बट हम लोग यहाँ पे पगफेरे की रस्म करने भी आए हैं और बहुत सारी मन्नतें हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हम यहाँ पे सॉर्ट आउट करने आए हैं. वी आर बिट एक्साइटेड अबाउट इट. जब वो सब चीज़ें होने लगेंगी तो मैं आपको ब्लॉग में ज़रूर बताऊँगी बिकॉज आई हैव ऑलवेज शेयर अ गुड न्यूज़ विद यू ऑल एंड आई फील कि पॉजिटिविटी बढ़ाने से बढ़ती है और इसलिए हमेशा स्प्रेड हैप्पीनेस. दैट्स वाई अभी मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, बट वेरी सून आई विल लेट यू ऑल नो. दोहा जाने के पहले बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है, आपको पता चल जाएगा व्लॉग में. सो फाइनली वी आर ऑल सेट टू गो आउट ऑफ द एयरपोर्ट एयरक्राफ्ट. आई वॉज अबाउट एयरक्राफ्ट और हमने PCR करवाया हुआ है तो हम PCR रिपोर्ट वगैरह. मैं जब लास्ट टाइम आया था तो मुझे नहीं, वो पूछ रहे हैं. हाँ, अब भी है, अभी देखना है कि पूछ रहे हैं कि नहीं देख पूछ रहे हैं, क्योंकि दो बार ही तो पूछा हुआ है. सो लेट्स सी हाउ इट इज. और अभी मुझे ऊबर भी बुक करनी है, सो आई जस्ट कैच यू इन अ वाइल. लखनऊ आने की फीलिंग अपने आप में ही इतनी मज़ेदार फीलिंग होती है जो सिर्फ लखनवी समझ सकते हैं, है कि नहीं? और तो फाइनली हम लोग अभी घर जा रहे हैं. मम्मी ने मुझे बोला था कि लैंड करके मुझे तुरंत कॉल कर देना, बट आदत से मजबूर मैं सोच रही हूँ सरप्राइज़ दे दूँ. सरप्राइज़ क्या मतलब कि पता तो है ही आ रहे. हाँ बट लेकिन ये पता कब आ रहे. बट क्योंकि उनको पगफेरे का कुछ तैयारी भी करना है तो मुझे ये लग रहा है अगर मैंने नहीं किया ना तो मुझे जूते पड़ेंगे बाद में. वैसे भी पड़ते ही हैं बट वैसे भी पड़ जाएंगे फालतू में, तो फिर घर जाके पिटने का फायदा नहीं. आई थिंक आई शुड कॉल हर, सो जस्ट लेट मी कॉल हर. बाबू गंदी लड़की. गंदी लड़की कौन है? बॉय भाई सब लोग आ गए. मम्मी नमस्ते. हलवा पूरी से चाय मेरे से. गोपी यू कैन पुल ऑल फोर टुगेदर आई गेस. सुनशी तो साथ ही आया है. पेमेंट हो चुकी है सर? पेमेंट रिसीव हो गई आपको? थैंक यू. चलो चलते हैं. हम नहीं सैनिटाइज होंगे गप्पी.
कैसे सोची? और हाँ, और लो और लो, थोड़ा सा और लो, हमको हंसी आ रही है। तुम्हारे हाथ पीले हो गए। हाँ पूरा अच्छे से। मेरे आत्मा का हाथ मेरे हाथ में छेद है। तभी कैसा टिकता नहीं तुम्हारे हाथ में। हैका मेरे अंगूठे में भी छेद है। इसको मैं सेट ओके रेडी उसको सेट करना पड़ेगा। असल में ये दबाया नहीं गया होगा, नीचे दब जा रहा है ना सर में। तेरी भी उंगली हाथों में छेद। ए मम्मी नहीं, फिर की ऑथेंटिसिटी नहीं खत्म। इसमें से पांच श्रेया को भोग लेंगे अकेले। पांच तुम्हें लगेंगे, बाकी किसी के लिए कुछ नहीं बचेगा। दो बचेगा, तुमने बांट लेना। सुनो, क्या तुम ज्वेलरी लेने नहीं गए थे? सुनो सच्ची दया, पहले तो मम्मी देखी नहीं कि हम क्या पहने हैं क्या नहीं पहने हैं। और जब वहां पे हमको सुसु आई तो सुसु करने जब उठे मम्मी कह रही हाँ ये प्लाजो और कुर्ती पे ऐसे वो पगली कपिल शर्मा जैसा जूता पहन के। मम्मी ड्राई फ्रूट का हलवा पहले तो मार के देती थी मुंह पे। मार के ही देगी तू। और तूने क्या बनाया गप्पी? कुछ नहीं, तू बस वही बना रही है जो इतने सालों से बना रही है। समझने वाले समझ जाएंगे। संशु आओ अपना फेवरेट काम करो, खाना कम। Let's eat. जल्दी से आओ। दिखाओ श्रेया एक बारी कैमरे में भी दिखा दो। गाइज दिस वॉज समथिंग रियली न्यू। एक्चुअली लाइट इधर नहीं अच्छी आ रही था, अंदर आओ। वाओ इट इज सो ब्यूटिफुल। एंड आई थिंक नाउ इट्स टाइम टू प्ले बिग बॉस 15 बिकॉज शादी हो चुकी है तो बात सॉरी पंचायत बाकी है। पंचायत बाकी है तो वो हम कैमरे पे तो नहीं कर सकते। इसलिए आई होप यू डिड एंजॉय दिस वीडियो एंड इफ यू डिड लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गो गजल गॉन। इस व्लॉग को जंगल की आग की तरफ फैला दो अभी जल्दी जल्दी।